हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 4.3 ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 4. वी हैव ऑलरेडी डन दी एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2. यू हैव ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. ओके, सो इन दिस वीडियो मैंने आपको 4.2 एक्सरसाइज में बता दिया था कि आगे चल के हम इन सॉल्यूशंस से कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे. तो वही हम इस एक्सरसाइज में करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो चलिए लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दे रखा है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है. तो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. देखिए बच्चों, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है. आप अगर एक पॉइंट ही निकालेंगे तो आप उससे कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना. तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है. आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो लेकिन मिनिमम आपको 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए. तो चलिए पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं. तो देखिए, इधर हम लिखेंगे अपनी एक्स की वैल्यू और इधर हम निकालेंगे अपने वाई की वैल्यू. तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. एक बार इस इक्वेशन में एक्स को ज़ीरो पुट कीजिए. एक्स को ज़ीरो पुट करने पे आपको क्या मिलेगी, वाई की वैल्यू. एक्स को ज़ीरो पुट करने पे यू विल गेट वाई इज इक्वल टू 4. वाई की वैल्यू 4 मिलेगी. एंड देन सिमिलरली आप वाई को ज़ीरो पुट करिए सेकेंड टाइम. वाई को ज़ीरो पुट करने पे आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, आपको एक्स मिलेगा 4. अब देखिए, आपको 2 पॉइंट्स मिल गए हैं. वैसे आप इससे ज़्यादा पॉइंट्स निकाल भी सकते हैं, नहीं निकालना चाहो तो भी चलेगा. तो देखिए, अब आपको 2 पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए. एक आपको पॉइंट मिल गया, दैट इज 0.4. एंड सेकंड पॉइंट आपको मिला 4.0. यही 2 पॉइंट्स मिलेंगे. तो चलिए देखिए, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए. फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0.4. 0 एक्स एक्सिस आपकी 0 है, वाई आपका 4 है. तो ये आपका कहाँ आएगा, ये आपका इधर आ जाएगा. ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया 0.4. बिकॉज वाई एक्सिस पे आपका क्या होता है, एक्स 0 होता है. ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है आपकी एक्स एक्सिस. देन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है 4.0. तो 4.0 कहाँ पे आएगा, 4.0 आपका आ जाएगा यहाँ पे. तो ये आपका पॉइंट हो गया 4.0. तो अब इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे और आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. कैसे करेंगे, तो ये एक लाइन आएगी जो इन दोनों से पास हो जाएगी. तो ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन. ओके, एंड देन आप देखिए, अब आप इस इक्वेशन, इस लाइन के ऊपर आप इक्वेशन लिख देंगे. कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब देखिए, आप कोई सा भी पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए, आपको वैल्यू इसी ग्राफ पे मिलेगी. अगर आप एक्स की वैल्यू 1 लेते, एक्स की वैल्यू 1 लेते तो वाई क्या हो जाता, 4-1, तो वाई क्या आता, 3. तो 1.3 क्या आता, 1.3 पॉइंट मिलता. तो 1.3 पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आपको, 1.3 आपको मिलेगा, ये रहा 1 और ये रहा 3. देखिए इसी ग्राफ पे मिल रहा है. सिमिलरली अगर आप वाई 1 ले लेते, अगर आप वाई कोऑर्डिनेट 1 ले लेते तो एक्स क्या आता, 4-1 3 आता. 3, ये है आपका 3.1 पॉइंट. और 1.3 कहाँ था, 1.3 आपका यहाँ पे आता. तो ये आपका पॉइंट है 1.3. तो देखिए, आपको दोनों पॉइंट्स कहाँ पे मिले, इसी मिले. सिमिलरली आप y को 2 ले लो तो आपको x से मिल जाएगा, x भी आपको 2 मिलेगा. तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. तो आपको कोई भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया. सिमिलरली यू विल ड्रॉ दी पार्ट टू का सॉल्यूशन आप खुद फाइंड आउट करेंगे. हम करेंगे पार्ट 3 एंड पार्ट 4. तो सेकेंड पार्ट इज फॉर योर होमवर्क. ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 देखिए. पार्ट 3 आपको गिवन है, दैट इज वाई इज इक्वल टू 3x. तो आपको गिवन है वाई इज इक्वल टू 3x. चलिए आप इसके पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. देखिए, एक बार आप एक्स को 0 रखिए, वाई आपको 0 मिलेगा. देन एक्स को आप एक बार 1 रखिए, तो वाई इज इक्वल टू 3 × 1 3. 2 पॉइंट्स मिल गए. कौन से मिल गए, 0.0 एंड देन सेकंड पॉइंट मिला 1.3. ये तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए.
तो अब इन दो कोऑर्डिनेट से आप अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, ये रहा आपका 0,0, ये तो ओरिजिन हो गया, देन 1,3, 1 ये रहा एक्स के ऊपर और 3 ये रहा, तो आप लिख देंगे ये हो गया 0,0 कोऑर्डिनेट और ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 1,3। सिमिलरली इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे और अपने ग्राफ की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। ये देखिए इस तरीके से आपकी लाइन आएगी एंड दिस विल बी योर ग्राफ। तो आप चाहे तो 3 पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सिमिलरली आप देखिए फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट आपको क्या गिवन है, 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस y, यही आपको गिवन है। आप क्या कीजिए, आप इधर से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x। अब आप क्या कीजिए, x और y के कोऑर्डिनेट्स पुट करते रहिए। एक बार x को आपने 0 रखा तो 3 माइनस 0 इज 3, देन एक बार आप y को 0 रख सकती हैं या आप x को क्या कीजिए इसमें 1 पुट कर दीजिए। अगर x 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 क्या होता है 1। तो आपको क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिले, आपको पहला कोऑर्डिनेट मिला 0,3, देन सेकेंड कोऑर्डिनेट आपको मिला 1,1। तो कहाँ जाएंगे दो पॉइंट, तो 0,3, 0,3 कहाँ आएगा, 0,3 आएगा आपका इधर और 1,1 आपका आएगा इधर। ये हो गए आपके, तो आप लिख लीजिए 1,1 और ये है 0,3। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा, यस इस तरीके से आपका ग्राफ आ गया। और आप इधर लिख देंगे ये किसका ग्राफ है, ये इक्वेशन का ग्राफ है, 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस y, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी टाइप का आपका सेम एग्जांपल भी आपको गिवन है। आपको इक्वेशन बतानी है दो लाइंस की जो कि इस पॉइंट दैट इज 2,14 से पास हो रही है, और फिर हमसे पूछा गया हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई, और हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट से और कितनी लाइंस हो सकती है। अब देखिए अगर आपके ग्राफ में कोई एक ये पॉइंट दे रखा है, ये आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ है और इसमें एक ये पॉइंट दे रखा है, तो आप इससे इस पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको सेकंड पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो देखिए इनफाइनाइटली देखिए आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आपको सेकेंड पार्ट का आंसर तो मिल गया कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो आप लिख देंगे देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन। ओके, तो ये तो हमसे सेकेंड पार्ट पूछा था जो कि आपको मैंने समझा था कि एक पॉइंट से आपकी इन्फाइनाइटली मैनी लाइन्स आपकी ड्रॉ हो सकती है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था कि आपको दो लाइन्स की इक्वेशन बतानी है, तो देखिए आप किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। आप क्या कीजिए, आपको ये जो पॉइंट गिवन है दैट इज 2,14, इसमें क्या प्रिडिक्ट हो रहा है, इधर से एक्स है मेरा 2 और y है मेरा 14। अब x और y में आप कोई भी ऑपरेशन लगा दीजिए और अपनी इक्वेशन बना दीजिए। अब देखिए x प्लस y इसका मतलब क्या है, मैं कर रहा हूँ 2 प्लस 14, तो 2 प्लस 14 क्या होता है, 2 प्लस 14 होता है 16, तो x प्लस y इज इक्वल टू 16, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मैंने इक्वेशन बना दी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको यही दो पॉइंट मिलेंगे, 2 और 14 तो मिलेगा आपको एक पॉइंट। ओके, देन सेकेंड इक्वेशन बनानी है। अब सेकेंड इक्वेशन के हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन हम बनाते हैं y माइनस x यानी 14 माइनस 2, तो 14 माइनस 2 क्या होता है 12 होता है, तो y माइनस x इज इक्वल टू 12, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली आप बहुत सी इक्वेशन बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, 2x इज इक्वल टू y, 2x नहीं आप लिखते 7x इज इक्वल्स टू y, 7x इज इक्वल्स टू y भी आपकी एक इक्वेशन, बिकॉज x अगर 2 रखेंगे तो देखिए y आपको 14 ही तो मिलेगा, तो क्या होगा ये 7x इज इक्वल्स टू y, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। आपसे यहाँ पूछी थी कोई भी दो इक्वेशन बतानी है, तो आप इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन बता सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने बोला था कि कितने लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो आपकी इन्फाइनाइटली मैनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती है। तो आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल भी है, आपको उसके अंदर शायद 2,1 पॉइंट दे रखा है और उधर से आपको इक्वेशन बनानी है, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थ्री आपको गिवन है, दैट इज अगर पॉइंट 3,4 लाई करता है ग्राफ पे ऑफ इक्वेशन 3y, ये देखिए आपको ये इक्वेशन दे रखी है 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, और इसका आपको एक कोऑर्डिनेट गिवन है 3,4, तो आपको वैल्यू ऑफ ए बतानी है। ओके ये इक्वेशन है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको 3,4 आपको पॉइंट उस इक्वेशन पे लाई करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 3 है और वाई इज इक्वल टू 4 है, दोनों वैल्यू मिल गई, आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो 3y, 3y मीन्स 3 इंटू 4 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, एक्स क्या है आपका 3 प्लस 7, इसको आप सॉल्व कीजिए 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, तो 12 माइनस 7 कितना होता है, 12 माइनस 7 होता है आपका 5 इज इक्वल टू 3a, तो इधर से a की वैल्यू आपको क्या मिलती है, a की वैल्यू आपको मिलती है 5 डिवाइडेड बाय 3 इज द आंसर। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको एक टैक्सी फेयर गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि अगर आप कहीं की सवारी कर रहे हो तो फर्स्ट किलोमीटर आपका 8 रुपीज है और उसके बाद के जितना भी किलोमीटर होगा तो पर किलोमीटर आपका 5 रुपीज लगेगा। यानी इसका मतलब क्या है, अगर आपने 6 किलोमीटर, 6 नहीं हम लेते हैं 7, आप कहीं ट्रेवल करें और आपका डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, तो इसमें से जो फर्स्ट किलोमीटर होगा उसके ऊपर तो आपका लगेगा 8 रुपीज। ओके तो फर्स्ट किलोमीटर के आपको 8 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब 7 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का तो प्राइस हमें मिल गया, अब कितने बचे, अब हमारे पास बचा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। अब इसमें से हर एक किलोमीटर पे आपका कितना प्राइस लगेगा, इसका हर एक किलोमीटर पे आप पे लगेगा 5 किलोमीटर पर। ओके तो हर एक किलोमीटर पे आपको अब 5 रुपीज देने पड़ेंगे। तो देखिए अगर आपको टोटल फेयर निकालना हो तो अगर आपका टोटल डिस्टेंस है 7 किलोमीटर और आप इसका फेयर निकाल रहे हैं तो फर्स्ट किलोमीटर पे आपको क्या मिल रहा है, आपको 8 रुपीज पे करनी है। देन आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर खत्म होने के बाद तो 7 माइनस 1 उसको आप क्या करेंगे, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज अब उसके बाद हर एक किलोमीटर पे आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 5 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो देखिए यही इस क्वेश्चन ने बोल रखा है, इस क्वेश्चन ने हमें बोला है टेक अ डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, तो हमने बोल दिया कि डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बी एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर बी, टोटल फेयर ही हमें क्वेश्चन कह रहा है आपको लेट करना है वाई, तो टोटल फेयर बी वाई किलोमीटर, तो आपने ये दोनों लेट कर लिए जो आपको क्वेश्चन में गिर रहा है। अब आपको इनकी लीनियर इक्वेशन बतानी है, तो देखिए आपको टोटल फेयर वाई किलोमीटर गिवन है, तो आपने टोटल किराया ले लिया वाई विच इज इक्वल्स टू, अब हर एक किलोमीटर पे आपको कितना देना, फर्स्ट किलोमीटर पे आपको क्या देना पड़ेगा 8 रुपीज, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है 8 रुपीज, उसके बाद का हर एक सबसिक्वेंट डिस्टेंस यानी उसके बाद का जितना डिस्टेंस बचेगा, तो 7 माइनस 1, अगर 7 को मैंने एक्स लिया तो जाएगा एक्स माइनस 1, मैंने डिस्टेंस क्या अपना x लिया था, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 5, यही आपकी इक्वेशन बनेगी। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, यही आया। आफ्टर दैट आप इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज यू विल गेट 8 माइनस 5 इज 3 प्लस 5x, तो आपकी इक्वेशन क्या आई, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। अब आप इधर से x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, x और y को पुट कीजिए, अब आप इस इक्वेशन में आप x को 0 पुट कीजिए तो y आपको मिल जाएगा 3, सिमिलरली एक बार आप x को 1 पुट कर दीजिए तो 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y आपको क्या मिल गया 8, आप y को 0 पुट करते तो भी आपको वैल्यू मिल जाती, वो आपको कुछ डिवाइड की टर्म में मिलती। ओके तो आपको दो पॉइंट कौन से मिल गए, एक आपको मिल गया 0,1 और नेक्स्ट आपको मिल गया 3,8, इसी तरीके से आपको मिला। तो अगर आपने, आप क्या करेंगे, आप कुछ इस तरीके का आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर आपको फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, 0,1, तो अगर इधर 1 और इधर 1 है, 0,1 का होगा, 0,1 होगा मेरा ये रहा, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 0,1। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है
3.8, 3.8 आपका कुछ, अगर ये है आपका 3 और इधर आपका लाया कर रहा है 8, तो आप क्या करेंगे, इधर आप पॉइंट दिखा देंगे 3.8, ये आपने पॉइंट दिखा दिया। उस पर दो पॉइंट से ही हमारा एक ग्राफ ड्रॉ हो सकता है और आप क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, दैट इज वाई इज इक्वल टू 3 + 5x। इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाएगा। आपको एक्स और वाई एक्सिस पे सारे नंबर्स लिखने हैं, 1 to 5, 1 to 8, आप सारे नंबर्स लिखेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या गिवन है, आपको ये फाइंड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन। आपको एक ग्राफ गिवन है और आपको बताना है इन चारों इक्वेशन में से कौन सी वो इक्वेशन है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस ये जो आपको ग्राफ गिवन है इसके आप जो पॉइंट्स गिवन है वो आप लिख लीजिए। तो इस ग्राफ में आपको पॉइंट गिवन है दैट इज 0, 0, यानी जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x -1 है तो y आपको 1 गिवन है, और जब x 1 है तो y आपको -1 गिवन है, ये आपको गिवन। अब देखते हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो आपको सेटिस्फाई करेगी। अब फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू x। अब क्या अगर x 0 लेंगे तो y आपको 0 मिलेगा, मिलेगा। अगर x को 1 लेंगे, अगर आपने ले लिया x, y इज इक्वल टू x है तो आपने x को 1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। तो x 1 लेने पे आपको y 1 मिल रहा है जो कि गलत है, बिकॉज x 1 लेने पे आपको क्या मिलना चाहिए, y -1 मिलना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपको गिवन है x प्लस y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -y। अब एक बार x को 0 लीजिए तो y क्या, 0 मिलेगा, ओके। देन x को 1 लीजिए तो y क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। एक बार आप x को -1 ले लीजिए, तो हमने x को -1 ले लिया तो y आपको क्या बचेगा, 1 बचेगा। कैसे बचेगा, आपने x को 1 लिया, -1 इज इक्वल टू -y, y से y कैंसिल, तो y क्या बचा आपका, -1 बचा। तो यही मैंने इधर लिख रखा है, तो ये तीनों पॉइंट्स मिल गए, ये सेकेंड इक्वेशन आपकी हो सकती है इस ग्राफ की। नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल टू 2x, अगर x 0 लेंगे तो y 0 मिल जाएगा, लेकिन अगर x को 1 लेंगे तो y क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आप देख सकते हैं y आपको 2 मिलेगा, तो थर्ड पार्ट आपका नहीं हो सकता। देन सी द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट आपको गिवन है 2 + 3y = 7x। एक बार क्या कीजिए, x को 0 लीजिए तो क्या y आपको 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, y आपको 2y - 2/3 मिलेगा। देयरफॉर फोर्थ पार्ट भी नहीं हो सकता। सिमिलरली हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आपको गिवन है इस तरीके से और इसका ग्राफ ये गिवन है। तो देखिए इसमें तीन पॉइंट कौन कौन से लाए कर रहे हैं, तो इसमें तीन पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, -1, 3, 0, 2 और 2, 0, यही मिल रहा है आपको। देन फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के अंदर अब आप एक बार x की वैल्यू को -1 रखिए। देखिए इधर से हम पुट कर रहे हैं, -1 रखिए, तो x को -1 रखेंगे तो y आपको क्या मिलेगा, x को -1 रखने पे y आपको मिलेगा -1 + 2, दैट इज 1, -1 + 2। तो देखिए आपको y मिलना चाहिए 3, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं करती। देन सी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपको गिवन है y इज इक्वल टू x -2, अब इसमें एक बार x को आप -1 ले लो तो y क्या मिलेगा, y आपको मिलेगा -1 - 2 - 3। तो देखिए y तो आपको +3 मिलना चाहिए, तो इधर से हमें पता चल गया कि सेकंड पार्ट भी हमारा नहीं हो सकता। देन थर्ड पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू -x + 2, तो y इज इक्वल टू -x मतलब x को अगर आप 1 ले लेंगे, ये देखिए मैं इधर लिख देता हूँ y इज इक्वल टू -x + 2। अब आप क्या कीजिए, एक बार x को -1 ले लो, तो माइनस एक तो पहले से ही है, फिर आपने लिया -1 + 2 विच इज इक्वल टू 1 + 2 = 3, तो आपको क्या मिल गया, -1 लेने पे 3 तो मिल गया। देन आप एक बार y को 0 पुट कीजिए, सॉरी x को 0 पुट कीजिए, तो क्या हो गया, 0 + 2 = 2, तो आपको ये भी पॉइंट मिल गया, दैट इज 0 लेने पे 2 मिला। देन थर्ड टाइम आप x को 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, -2 + 2, तो क्या हो गया, y 0 मिल गया। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल गया -2 रखने पे
सॉरी प्लस टू रखने पे आपको जीरो मिल गया। तो तीनों पॉइंट की वैल्यू सेम आ रही है, देयर फॉर आपका क्या होगा, थर्ड पार्ट इज करेक्ट। और फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट अगर आप एक्स को एक बार माइनस वन रखेंगे तो वाई आपको क्या मिलेगा, वाई आपको मिलेगा सिक्स प्लस वन दैट इज सेवन बाय टू। तो माइनस वन रखने पे हमें सेवन बाय टू तो मिल नहीं सकता, देयर फॉर फोर्थ पार्ट इज नॉट करेक्ट। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको गिवन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस फॉर्म इन द इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज फाइव यूनिट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये आपका होता है वर्क डन का फॉर्मूला, जो आपने वर्क करा उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई और उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वो चीज इधर से उधर हुई। अब आपको बोल रखा है टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज फाइव यूनिट्स, आपको क्वेश्चन बोल रखा है फोर्स क्या दे रखा है, आपको फाइव यूनिट्स दे रखा है। तो आप वर्क डन, अब आप क्या कीजिए, अब आप कीजिए लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आप इधर पूरा लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी एक्स, आप ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा आप उसे x लेट कर लीजिए, और लेट वर्क डन बी, आप इधर वर्क डन पूरा लिखेंगे वर्क डन बी y। सब ने x को ले लिया डिस्टेंस ट्रेवल और y को ले लिया वर्क डन। तो देखिए आपकी इक्वेशन ऊपर से क्या बन जाएगी, वर्क डन को आपने लिया y इज इक्वल टू फोर्स आपको गिवन है फाइव इंटू डी आपने ले लिया यानी डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट आपने ले लिया x, तो y इज इक्वल टू फाइव एक्स हो गई आपकी इक्वेशन। अब आप अपने पॉइंट्स सेलेक्ट कीजिए, एक बार आप इधर टेबल बनाएंगे एक्स और वाई की, एक बार आपने एक्स को जीरो लिया तो वाई आपको जीरो मिलेगा, देन एक्स को आप एक बार वन लीजिए तो वाई आपको क्या मिलेगा फाइव मिलेगा, एक बार एक्स को आप टू ले लीजिए तो वाई आपको क्या मिलेगा फाइव टू ज़ा टेन, यही आपको वैल्यूज मिलेगी। अब आप इससे ग्राफ ड्रॉ कीजिए, दैट इज वन टू थ्री, आप इसमें हम ले लेते हैं, हम टू टू का डिस्टेंस ले लेते हैं, तो टू फोर सिक्स एट टेन, टू फोर सिक्स एट टेन। तो ये हमने x और y पे अपने यूनिट्स ली। अब देखिए आपको पॉइंट्स मिले जीरो कॉमा जीरो, वन कॉमा फाइव, आप ये पॉइंट्स कैसे आए वो आप सॉल्व करेंगे इधर इस इक्वेशन में पुट करके, और फिर आप लिखेंगे इन पॉइंट्स को। ओके, और आपके ये पॉइंट्स आ गए। अब देखिए जीरो जीरो, एक आपको मिला जीरो जीरो पॉइंट, देन आपको मिला वन कॉमा फाइव, अब देखिए ये मैंने टू का डिस्टेंस लिया तो जीरो टू के बीच में वन लाई करेगा, और इधर फोर और सिक्स के बीच में फाइव लाई करेगा, तो ये आपका पॉइंट आ गया दैट इज वन कॉमा फाइव, और ये आपको मिल गया जीरो कॉमा जीरो, देन टू कॉमा टेन, टू कॉमा टेन का मिलेगा ये रहा टू और ये रहा टेन, तो आपको तीन पॉइंट्स कौन से मिल गए, ये मिल गए। ओके, आप चाहते तो दो पॉइंट्स भी ले सकते थे। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को अब आप ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ज्वाइन करने पे आपको कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा, ये होगी आपका ग्राफ, और कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, ये आपका इक्वेशन का ग्राफ है y इज इक्वल टू फाइव एक्स, ये आपका ग्राफ हो गया। अब आप देखिए आपको इस ग्राफ से बताना है, अगर डिस्टेंस आपने x को क्या लिया था वर्क डन, तो अगर ये है आपका x एक्सिस तो ये आपको क्या हो रहा है वर्क डन हो रहा है, और अगर y एक्सिस को आपने क्या लिया था, आपने लिया था डिस्टेंस, सॉरी y को आपने वर्क डन लिया था तो y हो गया वर्क डन, और x को आपने लिया था डिस्टेंस ट्रेवल, तो x को आपने लिया डिस्टेंस ट्रेवल। तो अब आपको ग्राफ देख के बताना है, अगर आपने टू यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल करा तो आपको वर्क डन कितना होगा। तो देखिए आपका x एक्सिस पे वर्क डन यूनिट देखिए, यूनिट है टू, तो टू आपका इधर है, तो इस टू के आप ऊपर आप देखेंगे आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो टू लेने पे आपको y एक्सिस मिल रहा है आपको टेन, तो आप फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या दे देंगे, आपको क्या मिलेगा टू यूनिट देने पे टेन मिलेगा, तो वर्क डन कितना हुआ आपका टेन यूनिट्स हुआ। सिमिलरली अगर आप x को जीरो देखेंगे तो x जीरो लेने पे आपको y क्या मिल रहा है जीरो मिल रहा है, तो आपका ये भी क्या हो गया वर्क डन कितना हो गया, इधर वर्क डन हो गया आपका जीरो यूनिट, तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपको लिखना है। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन फाइंड दैट इफ एक्स इज इक्वल टू टू, तो देखिए फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इफ एक्स इज इक्वल टू टू, तो आपको वाई मिला टेन,
तो देयर फोर वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया आपका 10 यूनिट। सिमिलरली आप लिख देंगे सेकेंड पार्ट, अगर एक्स जीरो मिला तो वाई भी जीरो मिल रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो यूनिट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, यामिनी और फातिमा ने दो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट थे, इन दोनों ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा, 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे मिलाकर कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। आपको ये लीनियर इक्वेशंस के अंदर ये डाटा रिप्रेजेंट करना है और फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इन्होंने बोल रखा है कि आप दोनों की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको, एक को आप लेट एक्स कर लीजिए और दूसरे को वाई लेट कर लीजिए। देखिए हम लेते हैं लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूट्स बी रुपीज एक्स, तो यामिनी कितना पे कर रही है, एक्स रुपीज पे कर रही है, एंड लेट फातिमा कॉन्ट्रीब्यूट बी रुपीज वाई। तो ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और दोनों ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा मिला के, 100 रुपीज। तो आपकी इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। आप इधर से टेबल बनाएंगे एक्स और वाई की। अब देखिए अगर आप एक्स को जीरो लेंगे तो वाई आपको मिलेगा 100, अगर आप y को 0 लेंगे तो x आपको मिलेगा 100। ओके आप ये दो पॉइंट्स ही बना सकते हैं, वरना आप और भी पॉइंट्स ले लीजिए। अगर आप x 50 लेंगे तो y भी आपको 50 मिलेगा, अगर x 60 लेंगे तो y आपको 40 मिलेगा, या y 60 लेंगे तो x आपको 40 मिलेगा। तो इनमें से कोई से भी पॉइंट से आप क्या बनाएंगे, अपना ग्राफ बनाएंगे, एंड द ग्राफ इज फॉर योर होमवर्क। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ को होमवर्क में खुद ड्रॉ करेंगे, बहुत ही इजीली ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, यूएस और कनाडा के अंदर ये टेम्परेचर मेजर किया गया फ़ारेनहाइट के अंदर, वेयर इंडिया के अंदर आपका जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में मेजर होता है। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ओके तो क्या है फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू, एफ यानी फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय 5, सी यानी सेल्सियस प्लस 32। तो देखिए आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है कि आपको इनका इस लीनियर इक्वेशन से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और आपका सेल्सियस होना चाहिए एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट होना चाहिए आपका वाई एक्सिस पे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको समझा दे रहा हूँ, ये आप खुद ट्राई करेंगे। आपको बोल रखा है सेल्सियस क्या होना चाहिए, आपका एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, तो आप लिख देंगे लेट सेल्सियस बी एक्स एंड लेट फ़ारेनहाइट बी वाई, आपने ये लिख दिया। आप देखिए इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, आपको इक्वेशन गिवन है एफ इज इक्वल टू 9/5c, तो एफ की जगह आप वाई रख दीजिए, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू 9/5c, क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, प्लस 32। ओके जब आप ये ले लेंगे, इसके बाद अब आप वैल्यूज पुट कीजिए। देखिए एक बार अब आप टेबल बनाइए, एक बार आप एक्स को जीरो पुट कर देंगे तो वाई आपको क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। दूसरी बार आप क्या कीजिए, एक्स को -10 पुट कीजिए। अब देखिए एक्स को -10 पुट करके क्या मिलेगा, 9/5 × -10, तो 5 to the 10, 9 - 2 = -18, -18 + 32 विच इज इक्वल्स टू 14, यही मिलेगा। तो x आपने जब लिया -10 तो y आपको क्या मिला, 14। अब देखिए आपको दो पॉइंट्स कौन से मिल गए, आपको दो पॉइंट्स मिल गए, एक तो 0, 32 और दूसरा आपको पॉइंट मिल गया -10, 14। अब आप क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, तो आप y एक्सिस पे ले लीजिए 10 का डिफरेंस, तो 10, 20, 30, 40 ये ले लिया। सिमिलरली नीचे हो जाएगा -10, -20 एंड देन इधर हो जाएगा आप 5 का डिफरेंस ले लीजिए, 5, 10, 15, 20 एंड सिमिलरली आपके इधर चलेगा -5, -10, -15 एंड सो ऑन। आपको पॉइंट ये बना 0, 32, तो 30 और 40 के बीच में आएगा 32, तो एक पॉइंट तो ये आ गया 0, 32, तो आप लिख देंगे 0, 32। दूसरा है -10, 14, तो -10 ये और 14 कहाँ लाया करेगा आपका 10 और 20 के बीच में, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ओके सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और आप इधर इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज
वाई इज इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32। तो ये आपका इस तरीके से कुछ ग्राफ आ जाएगा। फर्स्ट सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट आपको गिवन है, अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है, सॉरी टेम्परेचर आपको 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ओके तो आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताना है। अब अपने इक्वेशन एक्स और वाई की टर्म्स में तो आपने बना ली है, या आप ऊपर से ले लीजिए फ़ारेनहाइट में आपकी लिखी हुई इक्वेशन, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू 9/5 c + 32। यही आपकी इक्वेशन गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में आपको सेल्सियस कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो आप जहाँ पे सी है वहाँ पे 30 पुट कर दीजिए, दैट इज 9/5 × 30 + 32, दैट इज 5 × 6 = 30, 9 × 6 = 54 + 32, तो 56 एंड आपका आंसर क्या आ जाएगा, 86 फ़ारेनहाइट। तो जब आपका ये जो है यानी सेल्सियस आपका 30 डिग्री है, तो आपको फ़ारेनहाइट कितना मिलेगा, 86 फ़ारेनहाइट मिलेगा। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट में आपको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, तो जहाँ पे एफ है वहाँ पे आप 95 रख देंगे, दैट इज 9/5 × c + 32। अब देखिए सी कैसे निकलेगा, सी आपका निकलेगा 95 - 32 / 9 एंड दिस होल विल डिवाइडेड बाय 5 = c। तो आप इसे सॉल्व करेंगे और सेल्सियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ पार्ट आपको गिवन है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार हम सी को 0 रख देंगे, तो सी को 0 रखने पे आपको क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल्स टू, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो एफ इज इक्वल्स टू 9/5 × 0 + 32, तो एफ क्या मिल जाएगा, एफ आपको मिल जाएगा 32, यानी 32 फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर होगा अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, एक बार एफ को 0 रख देंगे, तो एफ को 0 रखने पे आपको मिलेगा 9/5 × c + 32, तो सी आपको क्या मिलेगा, सी आपको मिलेगा −32 × 5/9। तो आप इसे सॉल्व करेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। देन फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है, अगर ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होंगे, तो ऐसा कोई टेम्परेचर होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए क्या करेंगे, फिफ्थ पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट के लिए आपको बोल रखा है एफ इज इक्वल टू सी, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे एफ इज इक्वल टू सी होगा, तो आप कोई से भी वैल्यू पुट कर दीजिए, हम सी की जगह एफ पुट कर देंगे, तो एफ डिवाइड बाय 9/5 × सी की जगह हमने एफ लिख दिया, दैट इज +32। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, आप करेंगे एफ −9/5 एफ इज इक्वल्स टू 32, यही मिलेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट −4/5 एफ इज इक्वल्स टू 32। आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो जब आप आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, अब क्या हो जाएगा, 5 राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और −4 डिवाइड हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू 32 × 5/−4 विच इज इक्वल टू −40। तो कौन सा टेम्परेचर होगा, तो −40 ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे एफ इज इक्वल टू सी होंगे। ओके तो यही हमसे पूछा था, आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे समझ में आई होगी, एंड दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीट। आई होप अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।